अगर ऊंटनी दी निस्बत हुजूर अली सलातु वसलाम दे नाल हो जाए अल्लाह दे नबी दे नाल निस्बत हो जाए अल्लाह उस नबी नु अल्लाह उस नबी दी सवारी नु इन्नी अकल अता फरमा चढ़दा है तो उस सवारी ने जाके किथे डेरा लगाना है। और जिस नबी दे गुलाम दा पहले कर बड़े बड़े ताजर लोग बड़े बड़े माला वाले लोग हुजूर अली सलातु वसलाम दी सवारी दे अगे खड़े होंदे ने या रसूल अल्लाह साडे ते करम करो अज मेरे घर वल तशरीफ ले आओ लेकिन हुजूर दी सवारी रुकदी नहीं। और पता ए चलदा है कि हुजूर दी सवारी दा वड्डे वड्डे अमीरां लोकां दे घर दे अगे ना रुकना उन्हां दा तरला बड़े बड़े माल वाले अमीर दौलत वाले लोग तरले पे करदे ने कि सवारी साडे बूए अगे रुक जाए लेकिन सवारी नहीं रुकदी। पता ए चलिया हुजूर अली सलातु वसलाम दी सवारी दा वड्डे अमीरां ते दौलतमंद लोकां दे घर ना रुकना इदे तो ए पता चलदा है कि जड़ा हुजूर दा गुलाम है जिदी निस्बत मदीने वाले नबी नल हो जाए वो दुनिया दा माल वेख के कदी विकदे नहीं। उन जनाबे वाला सवारी जा रही है एक हुजूर अली सलातु वसलाम दा माड़ा सिहाबी कमजोर सिहाबी उदे बुए दे अगे जाके सवारी ने गोडे टेक ले जदू गुबुए अगे गोडे टेक ले ते पंजाबी दा शायर कहंदा है वो कहंदा वेखो नी वेखो सयो वेखो नी वेखो सयो कम महबूब दे दाची ते बह गई है बूवे अयो बदे। गुलाम ने जाके दस्तक दीती हजरत अयूब अंसारी बगेराए सजदे विच सर रख के दुआवां मंगदे ने हुजूर अली सलातु वसलाम दी आमद लई सजदे विच सर रख के दुआवां मंगदे ने जदों जनाब सिहाबी रसूल ने हजरत अबू अयूब अंसारी दा दरवाजा खटखटाया दस्तक दिती हजरत अबू अयूब अंसारी बाके रहे पुछिया कौन फरमाया जिस नबी लई दुआवां मंगदा रिया है जिस नबी लई सजदे लंबे करदा रे। जदों हजरत अबू अयूब अंसारी दी नजर हुजूर अली सलातु वसलाम दे चेहरे वल पई सलाम हुई मुसाफाया आप दा हाथ चुमया ते मेरे नबी ने फरमाया अबू अयूब अंसारी बाकी गल्लां बाद विच हो लगियां बाकी गल्लां बाद विच करांगे सब तो पहले जड़ा 1000 साल पहले तुप्पा अंसारी तुप्पा असद हुमैरी ने मेरा खत लिख के तेरे वड्डियां नू दिता सी वो खत मेरे हवाले कर बाकी गल्लां बाद विच करांगे। बानिया ने महफिल मुहम्मद अशरफ साहब हाजी मुहम्मद अनवर साहब हाजी अली अकबर साहेब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यूसी हंदरपुरा दे नायब अमीर मुहम्मद मोहसिन भाई मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने कि जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इनकाद किया अल्लाह तबारक व ताला अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। स्टेज की ज़ीनत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीपी 47 के अमीर जनाब इज़्ज़त माब चौधरी मुहम्मद अंसर गुजर साहेब नायब अमीर मलक चांद फैजी साहेब और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यूसी हंटरपुरा दे अमीर जनाब वाला इज़्ज़त माब मुहम्मद जहीर रजवी साहेब और सिक्योरिटी इंचार्ज मलक मुहम्मद अजीम साहेब डॉक्टर शाहिद साहब जनाबे वाला इज़्ज़त माब मुहम्मद खालिद गुजर साहब आजी जवेद चीमा साहब इंतजामिया की तरफों अहल खाना की तरफों तमाम आने वाले जिन्हें भी मेहमान ने मुबारकबाद के मुस्तहिक ने मुबारकबाद पेश करने हैं। और मेरे तो बाद आलम नबील फाजिल जलील हज़रत अलामा मौलाना कारी मुहम्मद सलीम आसी चुराही साहब
किसी भी तारफ दे मुहताज नहीं। मेरे तो कबल तुसी नात खाना ने श्री लिसां समात फरमाए। टाइम काफ़ी हो चुका है, बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद बनने दे मैं एक रवायत बयान करना चाहना, उदे तो बाद इजाजत। इमाम इबन असाकिर अल रहमा ने तारीख मदीना के अंदर इस रवायत को नकल किया है। आप फरमाते हैं कि एक बादशाह चलदा चलदा एक बस्ती विच उन्हें आके डेरा लगाया। दो चार दिन गुजरे तो बस्ती वाले चंद बंदे उन्होंने नाल मुजाकरात करन वास्ते गए। उस बादशाह के नाल उलमाए लिखते हैं कि एक लख का लश्कर जरार से बादशाह के नाल, और एक लख बंदा तो एक लख बंदे दे नाल जनाबे वाला 400 उलमा भी उस बादशाह दे नाल मौजूद ने। एक लख दा लश्कर नाल 400 उलमा। जो उस बस्ती जाके डेरा लगाया, बस्ती वाले वेख्या दो चार दिन उन्हां पांच सत बंदे गए मुजाकरात करन वास्ते उन्हां दे फौजियां दे नाल। जदों मुजाकरात करन वास्ते गए ते उन्हां दी आपस में तलख कलामी हो गई। तलख कलामी तो बाद उन्हां दा लड़ाई झगड़ा हो गया। जो लड़ाई झगड़ा होया उदे तो बाद वापस आए चंद बंदे अपनी बस्ती दे विच। उस बस्ती चों ना आके दसिया कि साडे ने उन्हां जुल्म ज़्यादती कीती, सानू मारिया है इस बादशाह की फौज ने, लिहाजा तुस भी तैयार हो जाओ। जिन्हें भी अहबाब ने सारे गिनती पाले नेजे तलवारां पकड़ लो, उन्हां दे नाल असी जाके लड़ाई करनी है, जंग करनी है, असी अपना बदला लेना है। ये जिक्र मुस्तफा की एक मैं झलक रखना चाहना आप हज़रात के सामने कि जिक्र मुस्तफा दी कितनी बरकतां ने। अहबाबे दे वकार चंद सौ बंदा एक लख दे लश्कर दे सामने जाके खड़ा हो गया, तलवारां नेज़े लैके। लड़ाई शुरू हो गई, सुबह तो लैके शाम तक लड़दे रहे। ना लख बंदा हारिया तो ना जितया तो ना चंद सौ बंदे। जो तो रात पै गई, बादशाह आखिया रात हो गई, उन इंज करो कि तुसी वापस चले जाओ, सुबह जदों होगी तो फिर दोबारा जंग की जाएगी। जंग रात को ख़त्म कर दी गई। सुबह जो सूरज धुरू होया वो चंद सौ बंदा फिर लख बंदे दे मुकाबले विच आ गया। सुबह तो लैके शाम तक जंग करते रहे, लेकिन रिजल्ट कोई ना निकलिया, नतीजा कोई ना निकलिया। वो चंद सौ बंदे ने एक लख बंदे नूं फा पा के रख दिता। तीसरा दिन होया जो रात पे खत्म की, चंद दिन गुजर गए। बादशाह आखिया कि मेरे को इन्नी ताकतवर फौज है, लश्कर जर्रार है, ये चंद सौ बंदे, इन्होंने कोलो जंग जीती नहीं जाती, वजह की? उन्ना 400 उलमा नूं बुलाया बादशाह। उन्हें आख्या मौलवीओ चंद दिन हो गए ने, ये चंद सौ बंदे इधर लख फौज है, रिजल्ट सामने नहीं आ रहा, चंद सौ बंदे को साड़ी जंग नहीं जीती जा रही, की वजह है, की माजरा है, जरा वेखो तो सही। वो चंद सौ जड़े 400 उलमा सन, उन्हें एक जबान होके यक जबान होके बात रखी। उन्हें आख्या ए बादशाह सलामत, ये तो चंद दिन गुजरे ने ना, ते असी इन्हां कोल जंग नहीं जित सके। बादशाह सलामत, अगर एक साल भी इन्हां दे नाल जंग लड़दियां रही असी, इन्हां कोलों एक साल बाद भी जंग नहीं असी जित सकते। उधर चंद सौ बंदा, उधर लख। और कुरान भी कहता है कम मिन फियातिन कलीलातिन गलबत फियातन कथीरतम बिइज़्निल्लाह, कि थोड़ियां जमातां हमेशा ज्यादा जमातों के उत्ते उन्हां दा गलबा आता है। तारीख इस्लाम उठा के वेखो, जंग बदर तो लैके तहरीक लबैक पाकिस्तान तक, कि वेखो हमेशा अल्लाह तबारक व ताला ने थोड़ी जमात नूं वड़ियां जमातां ते गलबा ते फतह अता कीती। मुहब्बत का मुजाहरा फरमाओ जी, हाँ जी ढिले मठे रहे तो फिर भी मैं भी घंटा पूरा ला देना। मुहब्बत का मुजाहरा फरमाओ, उची आखो सुबहान अल्लाह। अहबाबे दे वकार उन्हें आखिया कि मौलवी तुसी वेखो तो सी की वजह। उन्हें आखिया बादशाह गल इंज है कि अगर एक साल भी असी लड़ते रहिए, इन्हों को जंग जित नहीं सकते। उन्हें क्या वजह? उन्हें आखिया साड़िया किताबों के अंदर एक गल मौजूद है, साढ़े को जो साढ़े मुताले मुताले इलम विच साड़िया किताबों के अंदर जो गल लिखी है ना,
कि इस बस्ती ते चंद सौ बंदे साडे कोलों हारदे नहीं, उहदी की वजह है? उन्होंने आख्या साडियां किताबां विच लिखिया है इस बस्ती दे विच आखरी नबी ने आके डेरा लगाना है, उस नबी दी बरकती वजह तो अल्लाह ताला इन्ना दे मुकद्दर च हार नहीं फताई। हजे सरकार मदीना कायनात दे अंदर तशरीफ लैके नहीं आए, हुजूर अली सलातो सलाम दी तशरीफ आवरी नहीं हुई, हुजूर दी जलवागरी नहीं हुई, तो फरमाया इस बस्ती दे आखरी नबी डेरा लाना है, उस नबी दी बरकती वजह तो ये हारदे नहीं पे। चंद सौ बंदा लख बंदे दे मुकाबले विच, लेकिन अल्लाह उन्होंने शिकस्त नहीं दे रहा। उन्होंने कि उन्होंने जिन्ना जल्दी हो सकता बादशाह सलामत बात इस तरह दी, तुसी इंज करो कि जनाब इन्हां दे नाल तहरीर लिखो, सुलह करो, सुलह नामा लिखो, इन्होंने सुलह कर लो। उन्होंने ठीक है बुलाओ बस्ती वालों। बादशाह जनाबे वाला की किया सुलह की, सुलह करने तो बाद चंद दिन गुजरे, उन्हें ऐलान किया कि चलिए वापस अपने इलाके दे विच। अल्लाह अकबर कबीरा। जदों ऐलान किया कि वापस चलिए, सारे फौजी तैयार हो गए, लेकिन वो चंद चार सौ जड़े उलमा सन वो एक सैंड ते हाथ बन के ते गर्दना झुका के खड़े हो गए। बादशाह के की वजह है वापस नहीं जा रहे, फौजी सारे तैयार हो गए। उन्होंने आख्या बादशाह गल इंज, तुसी जाना तुसी जा सकते हो पर असी नहीं जाना। उन्हें क्या वजह? उन्हें क्या वजह है वे इस बस्ती के अंदर जिस बस्ती का नाम आज यसरब है ना, इस बस्ती का नाम यसरब है, और वो नबी जो आएगा इतने आके डेरा लगाएगा फिर इस बस्ती का नाम यसरब नहीं मदीना शरीफ रख देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जदों ने इनकार किया, बादशाह उलमा दे कोलों सवाल किया, मैनू ये दसो उस नबी कदों आना है? उलमा ने आख्या सानू भी इस गल का इलम नहीं कि उस नबी कदों आना। उन्हें आख्या अगर तुहाडी जिंदगी के अंदर वो नबी ना आए फिर की करोगे? उन्हें उलमा ने आख्या बादशाह गल इंज जनाबे वाला, अगर साडी जिंदगी दे विच ओ नबी नहीं तशरीफ लैके आएगा असी मर जांगे, साडा विसाल हो जाएगा इस बस्ती दे अंदर। जदों जनाबे वाला साडियां कबरां बन जांगियां ते कदी ते ओ वेला आएगा जदों ओ नबी इस बस्ती दे अंदर तशरीफ लैके आएगा, ते मदीना शरीफ दियां गलियां दे अंदर जदों ओ नबी चलेगा, इन्हां गलियां दे अंदर जदों ओ नबी चलेगा उस नबी दे कदमां दे नाल जड़ी दूर होवेगी, मट्टी उड़ के कदी ना कदी साडियां कबरां ते आई जावेगी। जदों जनाबे वाला उन्हें किया से नहीं जाना, बादशाह ने वजीर बनाए, फरमाया गल इंज के ए जड़े चार सौ उलमा मौजूद ने, इन्हें चार सौ उलमा दे वास्ते इंज करो के चार सौ मकान बना दिता जाए। जदों बादशाह ऐलान किया चार सौ मकान बन गया, बादशाह ने आके चक किया चार सौ मकान बन गए ने। उदे तो बाद बादशाह आखिया ओ वजीरो मशीरो मैनू ये जगह बड़ी पसंद आई, इस जगह ही और मकान बना दिता जाए। उलमा आखिया के सी चार सौ मकान बन गया है, हुन जनाब मकान दी की लोड़ पै गई है? बादशाह क्या जिस नबी दी खातर तुसी डेरा लगाया है, फरमाया मैं उस नबी वास्ते ये मकान बना के जा रहा वा, मेरी ये तमन्ना है मेरे दिल दे ख्वाहिश है कि जदों ओ नबी मदीना शरीफ तशरीफ लैके आए इस मकान दे अंदर आ जाएगा। हुण जदों जनाबे वाल ओ मकान बन गया, बादशाह ने आके जदों चक किया मकान, उन्हें आख्या वजीर नूं कि इंज करो एक कागज ते पेंसिल लैके आ जाओ। जदों कागज ते पेंसिल लियांदा उन्हें आख्या की करना है? कागज ते पेंसिल नूं बादशाह की करेगा? बादशाह ने आख्या कि जिस नबी लई तुसी डेरा लगा रहे हो उस नबी वल में एक खत लिखना चाहना वा। जदों खत लैके आए, कागज लैके आए, पेंसिल लैके आए, बादशाह ने की किया? खत लिखिया, फरमाया इला मुहम्मद ابن عبد الله الى النبي والرسول یہ خط لکھیا کہ جناب والا محمد بن عبد الله وال او محمد جڑا اللہ دا آخری نبی بن کے آئے گا, اللہ دا آخری رسول بن کے آئے گا, او دے والے میرے والو خط
की प्या लिख दिया खत का मजमून एवे कि लिखिया ए अल्लाह दे नबी मैं तुहाडा जमाना नहीं पाया मैं तुहाडी आमद तो पहले तुहाडे उत्ते ईमान भी लैके आ गया वा और ओ जड़ा दीन इस्लाम तुसी लैके आओगे उस दीन इस्लाम ते मैं ईमान लैके आ गया वा अगर मैं तुहाडा जमाना पा लिया ते मैं तुहाडी बारगाह विच हाजिर होवांगा अगर मैं तुहाडा जमाना ना पाया फिर कयामत वाले दिन जदो मैशर दा मैदान होवेगा ते फिर मैनू कल्या छड़ के नहीं जाना मेरी शफात करवा के मैनू जन्नत विच नाल लैके जाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जदों खत लिख दिता गया वो यहूदियां दा बहुत बड़ा आलिम जिदा नाम शमूल उन्हों खत लिख के दिता फरमा ए खत भी तेरे हवाले उस नबी दा मकान भी तेरे हवाले इस मकान दे अंदर तू झाड़ू देना है ते खत उस नबी तक पहुंचना चाहिदा है। शमूल अखिया बादशाह गल इंजे अगर मैं उस नबी दा जमाना ना पाया ते फिर की फरमाया तू उस नबी दा जमाना ना पाया ते फिर अपने पुत्र नु दे दई अगर तेरा पुत्र चला गया फिर ओदे पुत्र फरमाया नसल दर नसल चलदिया चलदिया ए खत मेरा उस नबी तक पहुंचना चाहिदा है। ओन जनाबे वाला उलमा रहन लग पे एक साल गुजरिया दो साल गुजरे 300 साल गुजरिया 400 साल 500 साल गुजर के बल्कि 1000 साल का अरसा गुजर गया पर नबी तशरीफ ना लेके आए ओ उलमा सारे फौत हो गए मर गए 1000 साल तो बाद मेरे नबी जदो मक्का शरीफ दे अंदर तशरीफ लेके आए आपने ऐलान नबुवत किया कि मैं अल्लाह दा आखरी नबी बन के आया वा अल्लाह दा आखरी रसूल बन के आया वा ते मदीना शरीफ तो चंद लोग आए मक्के विच आके हुजूर दे हाथ दे उत्ते कलमा पढ़िया फिर जदो दूजा साल आया ते चंद लोग फिर आके कलमा पढ़िया फिर जदो तीसरा साल आया फिर लोग मदीना शरीफ तो चले मक्के आके कलमा पढ़िया ते कलमा पढ़ के कहंदे ने या रसूल अल्लाह ए दसो हुन तुसा मक्के ही रहना है मदीने नहीं आना तुसा मदीना शरीफ नहीं आना मेरे आका ने सलातो सलाम ने फरमाया हाँ आना है मैं मदीना शरीफ भी आवांगा वापस चले गए जदों मदीने वाले लोगों नु जाके दसिया कि आका ने आखिया है अल्लाह दे आखरी नबी ने आखिया कि मैं मदीना शरीफ भी आना है उन उस दिन तो बाद मदीना शरीफ दे जड़े लोग ने सुबह सुबह उठना ते जड़ा राह मक्के वालों मदीना शरीफ आंदा है उस राह दे विच जाके खड़िया हो जाना ते हुजूर दी आमद दा इंतजार करना के अज नबी आ जाएगा हो सकता अज नबी आएगा ते रस्ते मक्के दे रस्ते वाल खड़िया हो के ते दुआवां मंगदे ने इंतजार कहंदे ने या रसूल अल्लाह साडे ते भी करम कर छड़ो साडे वल भी आ जाओ जद इंतजार करते रहे सुबह मक्के वाला राह वेंदे ने एक दिन इंजै कि यहूदी जनाब खजूर ते दरख्त चढ़िया ते खजूरा उतारदा पिया है उन्ने वेख्या एक काफला मक्के वालों मदीना शरीफ आ रहा है ओ यहूदी उतरिया ते जाके दौड़ के मदीना शरीफ दे लोगों नूं कहंदा है कि ओ मुसलमानों जिस नबी दा इंतजार तुसी कर दे रहे हो लगदा है अज वो नबी मदीना शरीफ आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मदीना शरीफ आ रहा जदो मदीने दे अंदर दुहाइयां पै गईयां मदीना शरीफ दे अंदर जनाबे वाला काफला बन गए
लोगों ने जनाब दफ बजा के बनी नजार दिया जनाबे वाला लड़कियां ने हुजूर दिया मदियां नातां पढ़िया और जिस सिहाबी दा नबी जिस सिहाबी दा पहले नंबर ते कर आया हुजूर अली सलातो सलाम दी सवारी दी लगाम पकड़ के अर्ज करदा या रसूल अल्लाह अज खुश किस्मती दे नाल मेरा घर पहले आ गया है मेहरबानी फरमाओ अज जरा मेरे घर दे अंदर तुसी तशरीफ ले आओ ज्यादा दिन ते नहीं सिर्फ एक रात तुसी मेहरबानी फरमा छड्डो ओनू जोर फरमा दे ने मेरी सवारी दी लगाम नू छड्ड दे गुलामा मेरी सवारी जान दी है मैं किथे जाके डेरा लगाना है अगर ऊंटनी दी निस्बत हुजूर अली सलातो सलाम दे नाल हो जाए अल्लाह दे नबी दे नाल निस्बत हो जाए अल्लाह उस नबी नु अल्लाह उस नबी दी सवारी नु इन्नी अकल अता फरमा चढ़दा है उस सवारी ने जाके किथे डेरा लगाना है और जिस नबी दे गुलाम दा पहले कर बड़े बड़े ताजर लोग बड़े बड़े माला वाले लोग हुजूर अली सलातो सलाम दी सवारी दे अगे खड़े होंदे ने या रसूल अल्लाह साडे ते करम करो अज मेरे घर वल तशरीफ ले आओ लेकिन हुजूर दी सवारी रुकदी नहीं और पता ए चलदा है कि हुजूर दी सवारी दा वड्डे वड्डे अमीरां लोकां दे घर दे अगे ना रुकना उन्हां दा तरला बड़े बड़े माल वाले अमीर दौलत वाले लोग तरले पे करदे ने कि सवारी साडे बूए अगे रुक जाए लेकिन सवारी नहीं रुकदी पता ए चलिया हुजूर अली सलातो सलाम दी सवारी दा वड्डे अमीरां ते दौलतमंद लोकां दे घर ना रुकना इदे तो ए पता चलदा है कि जड़ा हुजूर दा गुलाम है जिदी निस्बत मदीने वाले नबी नल हो जाए वो दुनिया दा माल वेख के कदी विकदे नहीं उन जनाबे वाला सवारी जा रही है एक हुजूर अली सलातो सलाम दा माड़ा सिहाबी कमजोर सिहाबी उदे बुए दे अगे जाके सवारी ने गोडे टेक ले जदू गुबू है गे गोडे टेक ले ते पंजाबी दा शायर कहंदा है वो कहंदा है वेखो नी वेखो सयो वेखो नी वेखो सयो कम महबूब दे दाची ते बह गई है बुवे अयोब दे गुलाम ने जाके दस्तक दीती हजरत अयोब अंसारी बगेराए सजदे विच सर लाके दुआवां मंगदे ने हुजूर अली सलातो सलाम दी आमद लई सजदे विच सर रख के दुआवां मंगदे ने जदों जनाब सिहाबी रसूल ने हजरत अबू अयूब अंसारी दा दरवाजा खटखटाया दस्तक दिती हजरत अबू अयूब अंसारी बागे रहे पुछिया कौन फरमाया जिस नबी लई दुआवां मंगदा रहा है जिस नबी लई सजदे लंबे करदा रहे जदों हजरत अबू अयूब अंसारी दी नजर हुजूर अली सलातो सलाम दे चेहरे वाल पई सलाम हुई मुसाफाया आप दा हाथ चुमया ते मेरे नबी ने फरमाया अबू अय्यूब अंसारी बाकी गल्ला बाद विच हो लगिया बाकी गल्ला बाद विच करांगे सब तो पहले जड़ा 1000 साल पहले तुप्पा अंसारी तुप्पा असद हुमैरी ने मेरा खत लिख के तेरे वड्डियां नूं दित्ता सी वो खत मेरे हवाले कर बाकी गल्लां बाद विच करांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہندے ہونگے ضرور جدوں حضور دے تشریف آوری ہوئے گی جدوں حضور دا چہرہ ویکھیا ہوئے گا تے آپ کہندے ہونے نے کہ اٹھ دلا چل خوشیاں منائیے مدینے والا چل چڑھے آ اے اٹھ دلا چل خوشیاں منائیے اے مدینے والا چل چڑھے آ اج ستیاں نصیبانو جگائیے مدینے والا چل چڑھے آیا اج ستیاں نصیبانو جگائیے کہ مدینے والا چن چڑھے آ اون مینو جناب والا دسو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اج آمد نہیں ہوئی آپ دی تشریف آوری نہیں ہوئی ایک ہزار سال پہلے یہودیاں دا بادشاہ گر حضور دی آمد دی خوشی پیا کردا ہے ہن جدو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ گونو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ایوب انصاری تو با اسد حمیری دا خط میرے حوالے کر جدو صحابی رسول نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حوالے خط کیتا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو با اسد حمیری دا خط کھول کے انج سامنے رکھ کے میرے آقا نے پڑھ کے آنکھیا تبا اسد غمیری اسا تینوں قبول فرما لیا ہے جی یہودیاں دا ایک ہزار سال پہلے حضور دی آمد تو پہلے خوشی کرے تو حضور انہوں قبول فرما لیندے نے این تے آجی محمد علی اکبر صاحب نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دا امتی ہو کے ہر سال خوشی کر دینے دے کی نبی پاک انہ دے کرم نہیں فرمان گئے احبابی دی وکار اس محفل دے توسل دے حوالے نے میں ایک پیغام دینا چاہنا بہت ساری گلنا کرنی ہے ٹائم بڑا ہو گیا اور تو اڈینال بھی زیادتی نہیں کرنی میں تو بعد ہی خطاب اللہ ماسی صاحب فرمان گئے کہ 75-76 سال ہو گئے ہیں تسی ہر جماعت میں عزم آ چکے ہیں لیکن ملک ترقی نہیں کر سکیا خوشحالی تے نہیں بلکہ آج دا جڑا غریب بندہ ہے اور روٹی نو رو رہا ہے اپنے بچے پہ ذبح کر لیا اور ایک گل یاد رکھنا اگر صرف پاکستان دی امید نہیں بلکہ امت مسلمان دی اگر آخری کوئی امید ہے نا وہ تحریک لبیک پاکستان ہے بس اگر تسی اس ملک دے اندر خوشحالیاں نہ چاہندے ہو کہ ملک خوشحال ہو جائے غربت ختم ہو جائے تے پھر ووٹ تے ذریعے دین نو تسی تخت تے لے کے آؤ وگرنہ ساڈے پرانے محدث علی پوری ورگے سیال شریف جیسا تاجدار ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال جیسے بلکہ امیر المجاہدین ورگا مرد کلندر تواڈے کولو نظام مصطفیٰ دی خاطر ووٹ منگدیاں سارے بابے قبراں وچ چلے گئے نے پر نظام مصطفیٰ واسطے تسی ووٹ نہیں دیتا اگر تسی چاہندے ہو کہ ملک ترقی کرے تو احباب دیوکار انج کرو کہ اج بھی تواڈے کول ٹائم ہے اج بھی تسی یو ٹرن لے لو تے دین اسلام نال اٹیچ ہو جاؤ جدو دین اسلام نو اسلام لیانا کن جے تخت دے اتے یہ ووٹ دے ذریعے آئے گا تواڈے ووٹ دے ذریعے اس واسطے تحریک لبیک پاکستان نو فالو کرو اور ایدے نال اٹیچ ہو جاؤ اور اس تحریک اے امت مسلمان دی بس آخری امید ہے باقی دے تو بعد کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ میرے آپ دی حاضریوں قبول فرمائے